कुंद्रा खानदान का गणेश उत्सव तो तुझे पता ही है ना कितना जोर शोर से होता है, लेकिन आज भी ना मुझे पुरंदरी चार का गणेश उत्सव याद आता है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से। ठीक है माँ, सिद्धि और मैं घूमने के लिए मॉरिशस जा रहे हैं, आज रात 10 बजे की फ्लाइट है। मॉरिशस? ये अचानक मॉरिशस का प्लान कैसे बन गया? वो माँ, आज तक हम घूमने नहीं गए ना, तो मैंने सोचा घुमाते हैं। चलो अच्छा किया। अच्छा तो फाइनली सिद्धि और देवर जी हनीमून के लिए जा रहे हैं। अभी आप भी ना। चलो इस बहाने इस चूहिया से कुछ दिन के लिए तो छुटकारा मिलेगा। अगर मेरे साथ फिल्म करने के लिए मान जाते तो मॉरिशस ने कम से कम महाबलेश्वर जाने के पैसे तो कमा लेते। अरे तो चलो चलो, तुम दोनों जल्दी से पैकिंग कर लो, फ्लाइट के लिए देरी नहीं होनी चाहिए ना। जी। अरे मैं भी खाने की तैयारी देख लेती हूँ। तो मेरा राजा बेटा हनीमून पे जा रहा है, संभल के जाना और खूब मजे करना। जी माँ, थैंक यू। मैं आता हूँ। राजा की जान तोते में, अगर तोता फड़फड़ाएगा तो राजा को तकलीफ तो होगी ना। अरे मैं कितनी डर गई, क्या कर रहा है तू, चोट लग जाती तो। तिजोरी की चाबी दे। तिजोरी की चाबी? तुझे तिजोरी की चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? तिजोरी की चाबी दे रही है कि नहीं? चाबी दे। सुन, तू ये चाबी लेके क्या करेगा? बहुत सवाल जवाब करती, जब तूने कह ही दिया है कि सब कुछ मेरा है तो फिर मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं जाके पैसे निकाल रहा हूँ, खत्म हो गई बात। सवाल जवाब क्यों कर रही? अरे तू मुझसे मांग लेते ना पैसे। क्यों छोटी छोटी बात के लिए तुझे इस बुढ़ापे में तकलीफ दूं मैं? हाँ थक जाती ना तू। तू मेरी फिक्र मत कर, मुझे जब भी पैसे चाहिए होंगे मैं जाके तिजोरी से निकाल लूंगा। नहीं, अगर मुझे जरूरत होगी पैसों की तो मैं क्या करूंगी? मांग लेना जितने चाहिए, मुझे बता लेना, मैं बेटा हूं ना तेरा, तो इतना तो कर ही सकता हूं, जितने चाहिए मुझे बताना, दे दूंगा। अरे तो तू भी तो मुझसे मांग सकता है ना। रुद्र कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, छीन लेता है। मैं भी देखता हूं कैसे विन और सिद्धि हनीमून पे जाते हैं। हद हो गई अब तो, ये हाथ से निकल चुका है। दादी 10 बजे की मेरी फ्लाइट है और मैंने कबीर के साथ मीटिंग भी 10 बजे की ही फिक्स की है, ताकि मैं उससे मिलकर वैभवी के मर्डर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। लेकिन बच्चे, तू एक समय पे एक ही तो काम कर सकती है ना। दादी तभी तो मैं परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है एक टाइम पे मैं दो दो काम नहीं कर सकती हूँ। मेरा कबीर से मिलना भी जरूरी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। दादी मैं ना एक काम करती हूँ, मैं वीनू से कहती हूँ और ये ट्रिप कैंसिल करवा देती हूँ। सिद्धि मुझे लगता है तू गुरुजी का सुझाव भूल गई है। उन्होंने क्या कहा था? कि जब तू और विन अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू कर दोगे तो तुम्हारी ग्रह दशा विन को प्रोटेक्ट करेगी, उसकी रक्षा करेगी, कहा था ना उन्होंने। लेकिन दादी हम सितारों के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। तरह अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करनी है और दूसरी तरफ मेरे पति की जान पर खतरा बनी मंजरी माँ को एक्सपोज करना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। सिद्धि क्या हम ये कबीर की मीटिंग कुछ दिनों के लिए टाल नहीं सकते? नहीं 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 दादी, ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। दादी मैं एक हफ्ते के लिए मॉरिशस जा रही हूँ, और इस बीच अगर कबीर और मंजरी माँ की बात हुई और उन दोनों को ये पता चला कि वो मीटिंग जो मैंने मंजरी माँ के फोन से कबीर के साथ फिक्स की है वो झूठी है, तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। दादी दादी कुछ भी हो जाए मेरा कबीर से मिलना बहुत जरूरी है। तो सही कह रही है बच्चे, देख एक तरीका है मेरे पास,
अगर तेरे जगह मैं उसे मिलने जाऊं तो? नहीं दादी, मैं ऐसा नहीं कर सकती आपके साथ। आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी है और कबीर के साथ अकेले जाकर मिलना सेफ नहीं होगा। सिद्धि पर दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना है। पापा प्लीज प्लीज कोई चमत्कार कर दो, मेरा कबीर से मिलना बहुत जरूरी है। अजन तो ठीक लग रहा है, काम हो जाएगा अपना। पैसे रेडी है, जो सामान मैंने मंगवाया था वो रेडी है, एकदम जहरीला चीज तैयार है आपके लिए। वेरी गुड, आ रहा हूं मैं। अरे माँ, माँ सुन, कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन। मैं क्या सोच रहा था कि आज रात तुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके चलो, क्या बोलती है? लेकिन आज रात तो विनायक और सिद्धि निकल रहे हैं ना मॉरिशस के लिए। तो तू तो नहीं जा रही ना उनके साथ? वो जा रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं, हम कार से जाएंगे। तुझे अगर इतनी ही तकलीफ है या कुछ और काम है तो ठीक है, रहने दे। नहीं नहीं रहने दे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू तो मेरा सगा बेटा है, तेरे साथ नहीं जाऊंगी तो और किसके साथ जाऊंगी। और वैसे भी जब से तू आया है ना, हम दोनों ने साथ में वक्त ही कहाँ बिताया है, चल चलते हैं। तो सुन, आज शाम ठीक 8 बजे तू होटल गैरिसन पहुंच। मैंने वहां टेबल बुक कर दी है और सारे इंतजाम हो चुके हैं, तू तू फिक्र मत कर, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं सीधा वहीं पहुंचता हूं, ठीक है? सुन सुन, हाँ। डिनर के बाद ना हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ पक्का, क्यों नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, लेकिन तू ड्राइवर मत लाना, कार खुद चला के आना और फिर मैं चला लूंगा तुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो। ठीक है ठीक है। खड़े खड़े देख क्या रही है, विन और सिद्धि से जाके मिलेगी नहीं, जाओ उनको बाय कह दे, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ, ठीक है? ठीक है। मेरा बेटा मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, देर से ही सही लेकिन बेटे को माँ की अहमियत समझ में आ गई। आज का दिन ना मैं कभी नहीं भूलूंगी। तिवारी जी, मैंने आपको एक बार कह दिया ना कि मैं प्राची के साथ मूवी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बस आप मुझे बार बार फोन मत कीजिए। अब ये कौन सा नया ड्रामा है और ये सब है क्या, हाँ करना क्या चाहती हो? अब ये विन और सिद्धि अगर हनीमून मना सकते हैं तो हम दोनों काहे नहीं रे? आज तो हम तो का जन्नत लेकर जाएंगे, चलोगे ना हमरे साथ? चल हट, पागल हो गई क्या? सर काय ले तकिया जाड़ा लगे।
किया जाड़ा लगे। मैं दूरत, अरे अब तू मेरे कपड़े क्यों उतार रही है? हट दूरत। राजन जी, अब नहीं उतारूंगी तो कब उतारूंगी बबुआ? तुम तो हमरे साजन जी हो ना, हो ना? अरे दूरत क्या कर रही? दूरत चल जा, दूरत दूरत। ए, तूने गाना क्यों बंद किया? हाँ, मैं शूट के लिए कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी, तू भी कर लेता? हाँ, फिर हम दोनों ऐसा परफॉर्म करते कि तालियां बजती हमारे लिए, समझे? कैसे जानू इन बात पर? हम दोनों की जोड़ी ना बिल्कुल रणबीर और आलिया की तरह लगती है। अच्छा जानू, तो मैं रूपमती जी को फिल्म के लिए हाँ बोल दूं? हाँ, तुम जाके रूपमती जी को कह दो कि हम साथ में पिक्चर करेंगे। रूपमती जी को हाँ बोल, चला। तुम्हारे साथ मूवी करने से अच्छा है कि मैं मूवी ना करूं। दो कोड़े का डांस करके कहती है मूवी के लिए हाँ कह दूं। माँ आइए ना, कोई काम था आपको? अरे नहीं, तूने हमारे घर में जन्म लेके हमारे सारे काम पूरे कर दिए। क्या माँ? मैं तो बस तुम दोनों को हैप्पी जर्नी बोलने के लिए आई थी, क्योंकि मैं रुद्र के साथ बाहर जा रही हूँ ना डिनर के लिए। रुद्र के साथ? क्या बात है माँ, धीरे धीरे रुद्र हम सबके साथ घुल मिल रहा है ना, तो अच्छा लगता है। आज तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सारे सितारे एक साथ चमक रहे। देखना, मैं यहाँ रुद्र के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ और तुम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो, अच्छा लगता है। भगवान करे जिस प्लेन से जा रहे हो वो प्लेन ही क्रैश कर जाए, ताकि मेरी सारी मुसीबतें चुटकी में खत्म हो जाए। अगर मैं किसी तरह आज कबीर से मिल पाई तो एक चुटकी में आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा माँ। वैसे तुम दोनों कितने बजे निकल रहे हो एयरपोर्ट के लिए? 8 बजे निकलेंगे। ओ, तब तो मैं नहीं रहूंगी उस समय, इसलिए अभी आशीर्वाद दे देती हूँ। वैसे मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा ही है। अरे बस 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 सिद्धि, मेरे बेटे का ख्याल रखना हुँ? और खूब मजे करना हुँ? आप फिक्र मत कीजिए माँ, मेरे होते हुए वीनू को कुछ नहीं होगा। मैं चलती हूँ। जी माँ। अच्छा यहाँ इस वक्त कोई नहीं है, वरना अच्छा बनने का नाटक करना पड़ता जो मुझसे होता नहीं है। रुकिए रुकिए, गाड़ी रोकिए प्लीज। हेलो मैम, आप सुपरस्टार विन कुंद्रा की माँ है ना? हाँ, लेकिन ये यहाँ हो क्या रहा है? मैम, हमें ये टिप मिली है कि यहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटी चल रही है, इसलिए हम सारी गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं। डोंट माइंड मैम, आपकी भी गाड़ी चेक करनी पड़ेगी। मेरी गाड़ी में और इलीगल चीजें, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। रूल इज रूल मैम, 2 मिनट लगेंगे, प्लीज बाहर आइए। क्या मुसीबत है, चेक करो। विक्टर साहब जल्दी करिए ना, मुझे लेट हो रहा है, लौकर करा ना जरा। सर कुछ नहीं है। क्या मैं जा सकती हूँ? जस्ट मिनट मैम। अब क्या है? शिंदे मैडम, पर्चे करो इनका। अरे मेरे पर्स में क्या है?
ड्रग्स है ये। आपके पास कहाँ से आया? मुझे मुझे कुछ नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पास में कहाँ से आए? सॉरी मैम, लेकिन हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकर चलो इन्हें पुलिस स्टेशन। देखिए मेरी बात सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। ये सब आप पुलिस स्टेशन चल के बताइए। देखिए आपको महंगा पड़ेगा ये सब। हाँ चलिए। अच्छा तो विन कुंद्रा की माँ गिरफ्तार हो गई। अच्छा ठीक है। जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया, शाबाश। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी मां को छोड़ के हनीमून पे तो जाएंगे। सिद्धि जल्दी आओ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, देखिए ये ड्रग्स नहीं कुछ और भी तो हो सकता है ना, और ये मेरे पर्स में कैसे आया मुझे नहीं पता। पापा शब्बत, आप चाहिए तो मेरे बेटे से पूछ सकते हैं, तुमसे कितने गैर समझ साला इंस्पेक्टर साहब। रुकिए रुकिए, मैं आपकी ना मेरे बेटे से ही बात करवा देती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे तो लगता है आपके बेटे को आपकी कोई परवाह ही नहीं। एनीवे बैठिए और आराम से अपने बेटे से बात कीजिए। बैठिए। इस सूत्र फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब करूं तो क्या करूं? लगता है अब उस नालायक विनायक को ही फोन करना पड़ेगा। परी भाभी, पापा जी का और सबका ख्याल रखना। हाँ और हाँ, रोज शाम को मंदिर में दिया जरूर जला देना। तुम बिल्कुल चिंता मत कर। सिद्धि लेट हो जाएंगे। हाँ 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 आ रही। चलो ना, फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट। हाँ माँ। हाँ बस हम निकल ही रहे हैं, मैं एयरपोर्ट पहुंच के फोन करता हूँ आपको। विनायक विनायक सुन सुन मेरी बात। क्या पुलिस स्टेशन में? लेकिन क्यों माँ? मुझे कुछ नहीं पता, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। मेरे पर्स में ड्रग्स के पैकेट डाल दिए। क्या ड्रग्स? माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा जल्दी आ जाओ। जी माँ। क्या सिद्धि, हमारा ट्रिप कैंसिल करना होगा, हम नहीं जा सकते। लेकिन आखिर हुआ क्या वीनू? माँ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उनके पास ड्रग्स मिली है, ये जरूर किसी की साजिश है। मैं अभी आता हूँ जाके। वीनू संभाल कर जाना। ये सब माँ मर्डरर है, सौतेली माँ है और अब ड्रग डीलर भी। लेकिन जो कुछ भी है ये बहुत अच्छा शगुन है। वीनू तुम जेल में जाओ और माँ को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करो, और यहाँ पर मैं माँ के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे करूंगी कि माँ जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलकर ही रहेगी।